गिरिडीह स्थित डीआरडीए कार्यालय में डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार के द्वारा प्रोविजनल कलेक्टरों को इन दिनों प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मंगलवार को भी यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रहा। बताया गया कि प्रशिक्षण को लेकर 8 डिप्टी कलेक्टर यहां आए हैं, जिन्हें अलग अलग तरह की जानकारियां दी जा रही है। बताया गया कि विकास कार्यों की जांच, सुपरविजन को कैसे जांचा जाता है, विभिन्न योजनाओं की जानकारी तथा उनके क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी इन कलेक्टरों को दिया जा रहा है। गिरिडीह ज़िले में 9 डिप्टी कलेक्टर प्रोबेशनर आए हुए थे, जिनका कि एक महीने के लिए डीआरडीए कार्यालय से विकास कार्यों में किस तरह से योजनाओं का इंस्पेक्शन, सुपरविजन और इंस्पेक्शन किया जाता है, कौन कौन सी योजनाएं जो है संचालित की जा रही हैं, ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार एवं भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग कैसे, जब उनकी पदस्थापना प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी के रूप में अगर प्रखंडों में अंचलों में होती है तो कैसे उनको कार्य करना है, ऑफिस वर्क, साथ ही साथ प्रशासनिक क्षमता को दिखाते हुए, मैनेजरियल स्किल को दिखाते हुए, अपना जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, पर्सनल मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक प्रोफेशनल की तरह में, एक एक्सपर्टीज के रूप में, एक मास्टरी स्किल्ड कैपेबिलिटी को दिखाते हुए एक मेरिटोरियस पर्सन की तरह जो है काम करना है, ताकि जो निचले स्तर पर प्रशासन का प्रखंड इकाई होता है वो सरकार का एक चेहरा होता है और सरकार की जो इच्छा शक्ति होती है उसको धरातल पर उतारने का कार्य जो है ये यंग नौजवान परीक्षा एवं समर्थक के द्वारा किया जाना है। जो भी अन्य विभाग के काम में है, जैसे कि इलेक्शन का भी काम करना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर का काम है, ग्रामीण विकास का काम है, साथ ही साथ अन्य बहुत तरह की इंक्वायरी वगैरह होती है, क्षेत्र में सेंसस वगैरह का भी काम लगातार करते रहना पड़ता है, आपदा प्रबंधन के समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनको भी प्रशासनिक तौर पर उनको देखना है। ये सारी चीज़ों की जानकारी दी गई, मुख्य रूप से विकास कार्यों से संबंधित जो भी संचालित योजनाएं हैं उसके बारे में उनको बुनियादी जानकारी देते हुए कार्यों को कैसे सही ढंग से वो संपादित कर सकते हैं, तो ऑफिस मैनेजमेंट और फील्ड मैनेजमेंट ये दोनों बातों को देखते हुए, ताकि उनके प्रशासनिक क्षमता में उसको हम लोग बढ़ा सकें, उनकी जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको ऑगमेंट करके इन्हेंस कर सकें, मॉरल डिस्टर्ब करते हुए, ताकि जब ये वापस अपनी ट्रेनिंग के लिए इसके पास रिक्रूटमेंट लोग प्रशासनिक संस्थान में जाएंगे तो अभी जो जानकारियाँ फील्ड की दी जा रही हैं और उस समय जो फाउंडेशन कोर्स की जानकारी है तो वहाँ पे जो उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा तो ज़्यादा समझ वो डेवलप कर पाएंगे और अन्य के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने की स्थिति में आएंगे। उन चीज़ों के बारे में विस्तार से हम लोग गए थे, एडिशनल कलेक्टर विल्सन डेंगरा सर हम लोग को लेकर के गए थे पीटाक अंचल निरीक्षण में, तो वहाँ पे उन्होंने अंचल अधिकारी के साथ हमारी बैठक हुई, उसमें उन्होंने डिस्कस किया कि क्या क्या मतलब कौन कौन से रिकॉर्ड पंजी है, क्या है, क्या मेंटेन नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो उन्होंने दिशा निर्देश दिए, और उन्होंने बाकी कहा कि जितने रेवेन्यू कलेक्शन में जो शॉर्टफॉल्स आ रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, समय पर सारी निर्धारित लगान वसूली होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने ज़रूरी दिशा निर्देश दिए। फिर उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड मेंटेन करने में क्या कमी आ रही है, क्या और किस तरह से मेंटेन होना चाहिए, तो उन्होंने रजिस्टर में करेक्शन करके बताया। फिर उन्होंने बताया कि जितने लोग भी हैं यहाँ पे, जो भी जिनकी शिकायतें आ रही हैं उनकी शिकायतें दूर की जा रही है कि नहीं, और उसके लिए अंचल अधिकारी स्वयं उसके लिए निरीक्षण करें, और फिर सर्टिफिकेट केसेस में कितने केसेस बाकी हैं, कितने केसेस क्लियर हो गए हैं, इसके ऊपर विचार हुआ। फिर सर ने कहा कि ये जो भी उनके डायरेक्शंस आए थे वो डायरेक्शंस उन्होंने दिए और कहा कि एक महीने के अंदर उनके जो है निर्देशों का पालन किया जाए और सीईओ साहब उनका अंचल अधिकारी फिर रिपोर्ट करें उनको। किन पोस्ट का ट्रेनिंग है सर आप लोग जी? किन पोस्ट का ट्रेनिंग है ये? हम प्रशिक्षु उप समाहर्ता हैं हम लोग, और हमारी पोस्टिंग हो जाएगी उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग के बाद हम लोग एज ए सीईओ हमारी पोस्टिंग होगी। ये कितने महीनों का ट्रेनिंग है सर आप लोग? कितना हमारी ट्रेनिंग 1 साल की है, यहाँ फील्ड ट्रेनिंग हमारी हो रही है, अभी मार्च तक चलेगी, फिर 3 महीने की हमारी ग्राउंड ट्रेनिंग ATI में। कितने लोग हैं सर आप लोग? हम लोग यहाँ पर 8 लोग हैं और बाकी हमारे अलग अलग फ्रेंड अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, टोटल हम लोग 140 लोग प्रशासनिक सेवा में आए हैं। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम है सुदीप्त राज।